वर्तमान परिदृश्य पर बनाई इन पेंटिंग्स के माध्यम से कलाकारों के नजरिए का पता चलता है। व्यूइंग पॉइंट के शीर्षक से मंदिरा चैटर्जी शर्मा, नरेंद्र पाल सिंह, हर्षवर्धन शर्मा की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी दिल्ली की त्रिवेणी कला दीर्घा में चल रही है। हम तीनों का पेंटिंग बिल्कुल अलग अलग है, स्टाइलिस्टिकली अलग है और सब्जेक्ट वाइज भी टोटली अलग है। तो ये तीन अलग अलग व्यूइंग पॉइंट्स हैं जो हम पेश कर रहे हैं, जो हम लोगों के सामने ला रहे हैं। टोटली डिफरेंट, थ्री टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल, थ्री टोटली डिफरेंट व्यूइंग पॉइंट्स टू लाइफ। नरेंद्र पाल सिंह ने अपनी पेंटिंग्स में आधुनिक जिंदगी में सुंदरता और ब्यूटी पार्लर्स का प्रभाव दिखाया है, तो वही हर्षवर्धन की पेंटिंग्स में प्रकृति की शीतलता नजर आती है। इस सीरीज में मैंने सुंदरता को और खास करके हमारे जो अभी वर्तमान समय में जो हमारे देश में, चाहे वो महिला हों या पुरुष, एक खूबसूरती को लेकर अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए जो आजकल मॉडर्न तरीके हैं, खास करके गोल्ड फेसियल, पर्ल फेसियल और जितने तमाम सुविधाएँ, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता से लिया गया हो या फिर आयुर्वेद तरीके से, तो उस सुंदरता को कितना ज़्यादा अपने आप को उसके प्रभाव में रखते हैं, इसी को लेकर मैंने बनाया है। माउंटेन्स की जो कूलनेस, जो ठंडक है, उसको मैं अपनी पेंटिंग्स में चाहता हूँ। पिछले करीब 6-7 साल से मैं जो है इन चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ और अपनी पेंटिंग्स में उन एलिमेंट्स को लाने में कुछ हद तक सफल हुआ हूँ। मैंने एक जगह है पर्टिकुलर जम्मू में, मानसर लेक करके, वहाँ पे मैं करीब 2-3 कैंप अटेंड कर चुका हूँ और उस लेक ने मुझे इतना इंस्पायर किया है कि अभी चाहे अनचाहे वो लेक जो है मेरी पेंटिंग्स में आ जाती है। और उसका नाइट का जो एटमॉस्फेयर, ठंडक ठंडक वाला एटमॉस्फेयर है, वो मेरी मुझे मेरी पेंटिंग्स को करने में हेल्प करता है। रोजमर्रा की गतिविधियों पर गहरे रंगों का समन्वय कर बनाई गई मंदिरा की पेंटिंग्स में लयात्मकता है।